हेलो माय डियर्स, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आई एम ग्रेट। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ डियर। चलिए, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो रीडिंग जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लें, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें, ठीक है। हाँ, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि गाइस, मैंने सोचा बहुत दिनों से हमने ताक झाक नहीं किया है, तो क्यों ना आज किया जाए। यस, ये रीडिंग वही है जो आप सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है ये हम देखने वाले हैं, ताक झाक करने वाले हैं, घुसपैठ करने वाले हैं इनके लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमेशा पॉजिटिव रहें। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें और हमेशा अपनी एनर्जी को हाई रखें। तो चलिए देखते हैं। गॉड से प्रे करें डियर कि वो आपको सही जवाब दे इस रीडिंग के थ्रू, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं एंड उनके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है, इनकी थर्ड पार्टी है, इनके बीच क्या चल रहा है प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है प्लीज़ मुझे बताएं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्या बात है, काफ़ी ज़्यादा। दी डेविल, ओ कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पर है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके गाइस, यहाँ पर है हाँ वाटर साइन ज़्यादा आया है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टू ऑफ कप्स। ओके, देख रहे हैं ना, अभी रेविल के नीचे ही आया है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या बात है, गुड गुड। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, सॉरी डियर, वो शोर हो रहा था इसलिए मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। चलिए देखते हैं, हाँ और क्या हो रहा है इन दोनों में, क्या चल रहा है। दी एम्प्रेस, ओके, एक कार्ड सॉ निकालें क्या। जजमेंट, ओके ओके, बॉटम ऑफ दी डेक में आया है दी स्टार। आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है मैं बताती हूँ। पास्ट में आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार था, एक दूसरे के प्यार में इन्होंने डूबे थे, ठीक है। दोनों ही डूबे थे, इक्वल लेवल का था इन दोनों में, जिसको मैं इनकार नहीं करूँगी डियर। ओके, काफ़ी ज़्यादा प्यार था इनमें, डूबे थे कहना चाहिए, ठीक है। फुल रोमांस सब कुछ था इनके रिश्ते में, डूबे थे एक दूसरे के लिए। बट अभी मुझे किसी तरह की चीटिंग इनके रिश्ते में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अभी मुझे थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। यस, थर्ड पार्टी इनको हर तरह से कहना चाहिए, ठीक है, इनको प्रपोजल कुछ तो देना चाह रही है, ठीक है। अपने फीलिंग्स इनसे इजहार कर रही हैं या कर रहे हैं, जो कुछ भी इनसे बात करना चाह रहे हैं, बट आपके पर्सन का ध्यान कहीं और है, इनका ध्यान आप में है, ठीक है। इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है ये इस पर्सन को, आपके पर्सन को। यस, पास्ट में इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया था, इन्होंने खुद ही दूरियां बनाई थी, बट अब ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जो थर्ड पार्टी इनको ऑफर कर रही है जो कुछ भी, ठीक है, फुल थर्ड पार्टी का फुल वो है कि आपके पर्सन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, फुल थर्ड पार्टी का वो है, ठीक है। क्या है, क्या बोलना चाहिए डियर, आप समझ रहे हैं ना।
मतलब आपके पर्सन को खींचना चाह रहे हैं, ठीक है, ध्यान खींचना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ओवरऑल इनसे बात करना चाह रहे हैं, बट आपके पर्सन का ध्यान कहीं और है, इनका आप पे है, ठीक है। थर्ड पार्टी इनको प्यार दे रही है, ठीक है, जितना हो सके थर्ड पार्टी से उतना वो कर रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ ये कर रही हैं, ठीक है, सब कुछ आजमा रहे हैं, बट आपके पर्सन पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। राइट नाउ आपके पर्सन मुझे बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल लेवल पर भी इनके कैरियर में, ठीक है, इनके पैसों में गिरावट आई है, ठीक है। राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या गंवा दिया है, इनको रिग्रेट हो रहा है। डियर आपके पर्सन की तरफ से ना मुझे ये एक जस्टिस चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन जस्टिस चाह रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी, ठीक है, इनके फैमिली ने चुना या कुछ भी, ठीक है, हो सकता है, या इन्होंने ही चूज किया है, हो सकता है इन्होंने ही चूज किया है थर्ड पार्टी को, बट इस वक्त इनका ऐसा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। अब ये ना एक तरह के न्याय चाहते हैं कि हाँ मैंने गलती की है, मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी गॉड, एंड इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है जो मुझे ये ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनको वो चाहिए, आप चाहिए अब इनको, मुझे इनके कार्ड्स में आया है डियर, मैंने कह रही हूँ ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए, अब इनको आप चाहिए, मुझे इस तरह से मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी मुझे कुछ जजमेंट चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी को, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी जोरों शोरों से, ठीक है, पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपना बनाने के लिए, अपने पास रखने के लिए, बट इनको वो नहीं मिल रहा है थर्ड पार्टी को जो इनको चाहिए, ठीक है। हाँ अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है, बट वो नहीं मिल रहा है इनके तरफ से, इमोशनल प्यार नहीं मिल रहा है थर्ड पार्टी को जो इनको चाहिए, वो ये मुझे आपके पर्सन से ये मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, गॉड से भी ये मुझे ये मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। डियर यहाँ पर कोई तो है कि कोई तो किसी के साथ सेटिंग कर रहा है, या तो थर्ड पार्टी, ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी इनके साथ कुछ कर रहे हैं, जिसका मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हाँ थर्ड पार्टी ने ना कुछ चीटिंग कर रही हैं या कर रहे हैं। ये सामने से आपके पर्सन को ऐसा दिखाते हैं कि आपके पर्सन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा वफादार हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत लव करते हैं आपके पर्सन से, बट देख रहे हैं ना क्या कार्ड्स आए हैं सामने, कुछ और दिखाना, पेट पीछे चूरा भोंकने वाला काम करना, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसका भनक आपके पर्सन को आई थिंक लग गया है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी उनके साथ क्या कर रही है या क्या कर रहे हैं, जिसके वजह से आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने अच्छा खासा पर्सन इन्होंने गंवा दिया है, खो दिया है, मतलब आपको, ठीक है। ये ना बहुत ही बर्डन में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही थर्ड पार्टी के बोझ तले ये मुझे दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने लाइफ में इस वक्त बिल्कुल भी खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि खुश हैं, हो सकता है इनके लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, इनके लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी भी तरह के शादी एंगेजमेंट या पार्टीज कुछ तो एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, बट ये हैप्पी नहीं है उसमें, ये खुश नहीं है आपके पर्सन, बहुत ही इनको ये थक चुके हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी कम डियर इनके कार्ड्स में आया है, मैं नहीं कह रही हूँ अपने से, ठीक है, ये थर्ड पार्टी के मैं आपको ऑलरेडी ही बता दिया है, बहुत सारे दब चुके हैं, इनको इनको आपके पास आना है, बट आगे का रास्ता इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इनको क्या किया जाए, क्योंकि आपके पर्सन ने गलतियां ही इतनी ज़्यादा की है, ठीक है, गलतियां ही इतनी ज़्यादा की है। इनका रिश्ता थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है, मुझे काफ़ी ज़्यादा एब्यूसिव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे का रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ करते थे पास्ट में, करते थे पास्ट में काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको कहा ना डूबे थे एक दूसरे के प्यार में, वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये रिलेशनशिप एक
एक गुड जोड़े से ना, ठीक है, इनका जो, ठीक है, पहले अच्छा था, देख रहे हैं ना आप, टू ऑफ कप्स, एक दूसरे के प्यार में डूबे थे, काफ़ी अच्छा था, बट एक गुड रिलेशनशिप से मुझे बैड रिलेशनशिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरा इनका कंडीशन है, ठीक है, अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा इनको ना बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के प्रति, काफ़ी ज़्यादा इनमें इनका रिलेशनशिप एब्यूजिव रिलेशनशिप है। यहाँ से आपके पर्सन निकलना भी चाहते हैं बट नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं बट निकलना चाहते हैं ये पर्सन। हो सकता है आपके पर्सन पर कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है डियर। इसका चांसेस है कि इनके ऊपर हो सकता है किसी ने या थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है, जहाँ से आपके पर्सन निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे ओवरऑल इनकी एनर्जी यही दिखाई दे रही है डियर। मैंने कहा ना, जैसे कि आपके पर्सन को अब जस्टिस चाहिए, ठीक है, जस्टिस चाहिए। इनको लगता है कि इनको आने वाले समय में जस्टिस मिलेगा, ये यहाँ से निकल जाएंगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, आपके पर्सन को। हाँ, अभी यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, मुश्किल है इनके लिए, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज महसूस कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि जो कंडीशन है इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ से इनके लिए निकलना, थर्ड पार्टी से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट इनको होप है, काफ़ी ज़्यादा होप है कि ये बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, आपको लेकर सोचते हैं कि आप कितने वफादार थे, कितने लॉयल थे इनके प्रति। जो एक लॉयल पर्सन, एक सही परफेक्ट पर्सन इन्होंने खोया है, जिसका रिग्रेट है, अब इनको होप है आपके पास ये आएंगे। इनको होप है, ठीक है, कि ये जो सोचते हैं ना, जो ईश्वर से ये मांग रहे हैं, जो ये जजमेंट चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, इनको वो मिलेगा, इनको ये होप है। तो माय डियर्स, यही थी ये रीडिंग कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी आया है यार, देखो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, हाँ, थर्ड पार्टी है तो आएगा ही डियर। यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, अपने अपने आप को, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखें। बाय बाय।